दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गाजियाबाद से, आप सभी का अनिल आरसीएम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम सब दोबारा से चर्चा करते हैं आरसीएम मैनेज के प्लान को, किस प्लान को कैसे लोगों को इजी बताया जाए। जैसा कि देखें, हमने पहले से प्लान को सेट करके पूरा चिपका रखा है। आप इस तरह अपने पेपर पर, चार्ट पेपर पर या कोई वैसा पेपर आपके पास हो, इसको लिख कर बढ़िया सेट कर लें। कहीं अगर प्लान दिखाना हो, इसके माध्यम से ऐसे दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाला देखेगा यार तो बड़ा इजी है बताना, तो आपकी डाउनलाइन बड़ा इजी तरीके से प्लान को बता सकती है। हम सब मुद्दे पाते हैं आरसीएम मैनेज के, जैसा कि जब तक हमारा लाइफ है तब तक हम कहीं ना कहीं सामान लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और जैसे कि यहाँ देखें, जब तक हमारा जीवन है पैसा कमाना है, उस पैसे खर्चा करना है, चर्चा करना है, लाभ बराबर जीरो। अभी पुराने सिस्टम में जो भी हम पैसा कमाते खर्चा करते हैं, वहाँ से अपना कोई फ़ायदा नहीं होता है। आरसीएम सिस्टम में आपका खर्चे के साथ इन्वेस्ट हो जाता है। अब जैसा कि देख रहे हैं, महंगाई हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाती है। सन 1940 में एक आम परिवार को 5 रुपये, एक सफल परिवार को 50 रुपये चाहिए था। 20 साल बाद महंगाई बढ़ी, 1960 में एक आम परिवार को 50 रुपये, एक सफल परिवार को 500 रुपये चाहिए था मासिक खर्चा परिवार पालने के लिए। 1980 में एक आम परिवार में अगर 500 रुपये की इनकम नहीं आ रही तो परिवार को चलाना बड़ा टफ था, और एक सफल परिवार में कम से कम 5000 रुपये की इनकम पर मंथ चाहिए। सन 2000 में कम से कम एक आम परिवार को 5000 रुपये इनकम, एक सफल परिवार को 50000 रुपये इनकम चाहिए। आज सन 2020 चल रहा है, यदि इस समय किसी के परिवार में 50000 रुपये की इनकम नहीं है तो परिवार को चलाना बड़ा टफ है, और किसी के अगर सफल व्यक्ति हैं तो कम से कम 5 लाख रुपये फैमिली में इनकम चाहिए चाहिए। अगर ये सारी बातें सत्य हैं, सन 2040 भी आएगा, एक आम परिवार को कम से कम 1 लाख रुपये की इनकम तो चाहिए चाहिए मरे मरे हाल में। अगर कोई आम परिवार अपने को अपडेट नहीं कर पा रहा है, अगर ये इनकम नहीं ला पाएगा तो भविष्य में इसके लिए बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, और अपना परिवार कैसे पालेंगे आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा देखें, आज हमारा जो पुराना काम है उसमें हमारे पास पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। पारिवारिक सुरक्षा की बात करें, जैसे कि आप हैं परिवार में, आपके साथ माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं। यदि आप अकेले पैसा कमा रहे हैं तो सब लोग आप पे आश्रित हैं। अगर यही काम आरसीएम मैनेज के माध्यम से किया जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग इसमें काम करते हैं, क्योंकि सब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, सबके माध्यम से आपके घर में पैसा आएगा, और हर कोई व्यक्ति जब आरसीएम मैनेज का प्रोडक्ट यूज करेगा तो सबको बताएगा भी। अब आगे देखते हैं, आप सोचिए, कल्पना करें, इस परिवार में यदि आप जैसे मेन आदमी हैं, मुख्य हैं, रात को 12 बजे उठें आप, जब पूरे फैमिली आराम से सो रहे हों, आपने परिवार से यहाँ अपने को हटा के देखिए, इन परिवार का क्या होगा सर। तो ये आरसीएम सिस्टम को पार्ट टाइम करें, अपने फैमिली के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, और अपने बुढ़ापे के लिए करें। जब आप पुराने काम से पैसा नहीं आएगा तो इस काम से पैसा घर में आपका आएगा, और आपका परिवार एक अच्छी ज़िंदगी भी जी सकता है। दूसरा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजनेस मॉडल बदल रहा है, इसलिए इंटरनेट मार्केटिंग सबको करना चाहिए। आगे एक पॉइंट और देखते हैं हम सब। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे दादाजी हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, उनको पुराने ज़माने में कोई अच्छी सी जॉब मिली, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील, कुछ भी बन सकते हैं। अब वह जो उस काम से रिटायर होते हैं, या रिटायर होने के टाइम पर उनको 20000-25000 की इनकम होती है, जब वो रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी इनकम जीरो हो जाती है। अब सोचें, जब वो रिटायर हो गए, आप हैं, क्या आपको वह जॉब मिल सकता है जहाँ आपके दादाजी छोड़ गए थे, या हमारे दादाजी छोड़ गए थे, हमारे पिताजी को क्या जॉब मिल सकता है वहाँ पर? नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पिताजी हैं, उन्होंने अपने ज़माने में कोई जॉब अच्छी से मिली, सेट किया, रिटायरमेंट के बाद तक 50000-60000 रुपये इनकम तक पहुँचे। अब जब वो रिटायर होते हैं तो उनके बाद भी सारी इनकम जीरो क्लास हो जाती है। इसके बाद आप हैं, आप कोई अच्छा सेटअप बना लिए, कोई 1-1.5 लाख रुपये तनख्वाह तक पहुँचे आप, और जब आप रिटायर होते हैं, आपके बाद आप रिटायर होने पे आपकी इनकम जीरो हो जाती है। सोचिए बच्चों का क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं भविष्य में रोज़गार है नहीं, सब जगह कंपटीशन है। तो दोस्त, अगर यही काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो पर नहीं आना पड़ेगा। आप जहाँ से छोड़ के जाएंगे, जहाँ से आप रिटायर होंगे, आपको नॉमिनी या बच्चा जो भी होगा वहीं से स्टार्ट करेगा। अब सोचें, अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाली 2 से 3 पुश्तें सिस्टम अगर लगी रहेंगी, टिकी रहेंगी, तो परिवार कहाँ पहुँचेगा, एक राजा वाली ज़िंदगी जिएगा, और बहुत शाही ज़िंदगी आपको मिल सकता है। तो इस सिस्टम को आज के लिए नहीं, कल को अपनाएं, नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम मैनेज को।
क्योंकि आपको खर्चे के साथ सारा काम करना है। बस एक दुकान बदलनी है, एक सोच बदलनी है, एक ब्रांड बदलने हैं। दोस्तों दिखाव में ना आए, क्योंकि दिखाव में कुछ मिलने वाला नहीं है। अपना पैसा बचत करें, अपने भविष्य को देखें, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। दूसरा आपसे मेरे क्या सिस्टम है देखते हैं हम सब। इक्कीसवीं सदी का एक अवसर है, इस समय डायरेक्ट सेलिंग सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए। यदि आर सी में सब ज्वाइन करके भी छोड़ देते हैं, आप एक दो साल बाद करेंगे तभी आपको 90% उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपके यहाँ पर आर सी में कम से कम दो लाइनें चलनी होती हैं, दो लाइन में से एक लाइन आपके अपलाइन द्वारा चलता रहेगा, आप पर 90% काम किया करा रहेगा और भविष्य में उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा देखते हैं कंपनी पैसा कैसे कहाँ से देती है। जैसे अभी जो पुराना सिस्टम सामान लेने का, खरीदने का, बेचने का क्या होता है, कंपनी कोई सामान बनाती है उसका प्रचार कराते हैं, प्रचार बाद सामान एक एजेंट पास जाएगा, फिर डीलर हैं, फिर होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, फिर आपके पास आएगा। यदि यहाँ पर 100 रुपये लागत से कोई सामान बनता है तो उसका रेट 200-400 रुपये तक हो जाता है, या 200 में बनेगा तो वहाँ पर जाके 400-500 रुपये आपको देना पड़ेगा। टीवी पर ऐड आता है, देखें टीवी पर ऐड कितने बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है, पब्लिक का ब्रेन वहाँ पर सेट किया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है, और पब्लिक ब्रांड के चक्कर में, ऐड के चक्कर में सामान लेती, खाती पीती, इंजॉय करती है, उनका पैसा कितना वेस्ट होता है। दूसरा तरीका है, आज के ज़माना बिग बाज़ार माल का आ गया है, ऑनलाइन का आ गया है। इन सारे तरीक़ों में आज तक ग्राहक कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, ना होने वाला है। जो ये 21वीं सदी का बहुत शानदार सिस्टम है डायरेक्टली मार्केटिंग है, इसमें सीधा आप होते हैं, सीधा कंपनी होती है। अब जब बीच में कोई होगा नहीं तो सामान आपको हमेशा शुद्ध और गारंटेड मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, गाय हमेशा दूध असली देती है लेकिन बीच वाले मिलावट करते हैं। अब यहाँ जब मिलावट वाला बीच में कोई है नहीं तो आपका सामान शुद्ध मिलेगा। अब जब सामान शुद्ध मिलेगा, क्यों मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर सामान का 100% बिलिंग है, और शुद्ध मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप कामयाब भी बनेंगे, आप जो भी काम करंट में कर रहे हैं उस काम में आप अच्छा काम को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा यहाँ पर, और घर में बीमारी नहीं आएगी, तो आपका पैसा बहुत अच्छा सेविंग होगा, आप कामयाब बनेंगे, आपका बचत होगा, रोज़गार का यहाँ पर अवसर भी है, यहाँ पर पारिवारिक सुरक्षा भी है। ये देखें पॉइंट, आपके माध्यम से दूसरों को भी लाभ मिलेगा, दूसरे लोग भी कामयाब होंगे। यहाँ का सारा सामान स्वदेशी है, देश आगे बढ़ेगा, देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होगा, आपके खर्चे का 50% पैसा यहाँ पर सेविंग होता, बचत होता है। अब सोचो दोस्तों, घरेलू सामान तो कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा, इसलिए अगर आर सी मिनस को आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो पहले इसका प्रोडक्ट यूज कीजिए, देखिए, चेक कीजिए कैसा है कैसा नहीं है, फिर इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमने बात किया कि 50% पैसा बचत होता, कैसे बचत होगा पैसा, यहाँ पर MRP का 10-20% छूट मिलता है, 10-32% परफॉर्मेंस बोनस है, मार्केटिंग प्लान में साफ साफ लिखा हुआ है, 3-8% रॉयल्टी बोनस है, 1-5% टेक्निकल बोनस है। इस तरह अगर टोटल देखते हैं ये वाला तो 45% ये है और 20% है MRP वाला, तो लगभग 65% पैसा कंपनी आपका सेविंग करती है, सेविंग आपका होता है इसके माध्यम से ना। आगे देखते हैं, अगर 65 ना लेते हैं तो 50% तो आपका सेविंग होगा। इसके अलावा आर सी मिनस में जो भी सामान मार्केट के बच्चा 10-30-40% तक, बहुत सारे सामान 50% तक यहाँ पर सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेविंग है। अब देखें इस सिस्टम में जो आपका पैसा बनता है कैसे बनता है। आर सी मिनस में 100-4,900 10% है, लेकिन जैसे आपका 5,000 होता है 12% हुआ, 10,000 होने पर 14% हुआ, 20,000 होने पर आपका 16.5% हुआ। इस तरह टोटल यहाँ पर 32% लेवल पर जब आता है, जब वहाँ पर 3.5 लाख टर्नओवर होगा तो आपको 32% लेवल आएगा। अब यदि आप कोई अगर 1,000 बीवी सामान लेते हैं तब भी उसमें से आपको 320 रुपये आपका वापस मिलेगा। अब सोचिए कितना अच्छा सेविंग हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों आपका कमीशन कैसे बनता, थोड़ा सा एक उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि आप हैं, आपने सिस्टम ज्वाइन किया, आपने पूरे मंथ में अपने घर के लगभग 5,000 बीवी का सामान लिया और आपने एक दो लोगों को बताया है, उन सब ने मिलकर करीब एक टीम ने 8,000 खरीदारी किया है, एक टीम ने 4,000 खरीदारी किया हुआ है। अब टोटल देखते हैं, अब 17,000 जो होता है वह बनेगा 14% लेवल, तो टोटल जो कमीशन बनता है 2380 रुपये। लेकिन 2380 यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, पहले यहाँ पर पैसा आरसीएम सिस्टम में नीचे बैठता है, फिर पैसा ऊपर जाता है। अब जो 8,000 बीवी हैं वो हैं कितने लेवल पर, 10 से कम है, तो उनको मिलेगा 12%। जो 4,000 लेवल पे हैं उनको मिलेगा 10%। तो 4,000 10% 400 यहाँ बटेगा, 8,000 वाले हैं 12% लेवल पे, तो
12 6 96 960 रुपये मिलेगा इनको। अब टोटल होता क्या है, जो 2380 है, इस 2380 में से 8000 जो बीबी है इसका 960 रुपये, और 4000 का 400 रुपये, तो टोटल मतलब देखा जाए 960 + 400, इस 2380 में से 960 और 400 लेस हो जाएगा, टोटल जो आपका कमीशन बनता है टोटल 1020 रुपया। लेकिन आपने ख़रीदारी अच्छी की हुई है 5 रुपये का, तो 700 रुपये इसका मिलता आपको है, तो 1020 + 700 टोटल आपका ये कमीशन आपका बन जाता है। यदि आप लेवल पर नहीं काम करेंगे, लेवल नहीं पकड़ेंगे, तो आपका कमीशन कम बनेगा। तो जब आरसीमेंस में लेवल का विशेष ध्यान रखें, अप्लाइंस से काउंसलिंग करें कि लेवल क्या होता है सर, और यदि आप ठान लेते हैं तो आप बहुत जल्दी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। आपने अभी देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक एक साल में बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। अब कैसे ले सकते हैं इनकम, थोड़ा एक उदाहरण और भी देखना दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने सिस्टम ज्वाइन किया, आप पहले महीने में अकेले हैं, और अकेले हैं आपने आपने अपलाइन का हेल्प लिया, सपोर्ट लिया, उनके माध्यम से लोगों को बताते हैं। अगले महीने में आपके साथ दो लोग सिस्टम आते हैं, उन दो लोगों के साथ काम किया गया, आप भी हैं, आपके अपलाइन भी हैं, तो दो ने अगर दो लोगों को बताया तो 4 लोगों की टीम बन गई। अगले महीने 4 लोगों ने अगर 2 लोगों को बताया तो 8 की टीम बन गई। 8 ने अगर 2 को बताया तो 16 की टीम बनी है। 16 ने अगर 2 लोगों को बताया तो 32 की टीम बनी है। आप भी हैं, आपके अपलाइन भी सपोर्ट करेंगे दोनों। 32 ने अगर 2 को बताया तो 64 हैं। 64 ने 2 लोगों को बताया तो 128 लोग हैं। आपके अपलाइन के माध्यम से काम आपका बढ़ता रहेगा। अब आगे चलते हैं, 128 लोगों ने 2 लोगों को बताया तो 256 हैं। 256 ने अगर 2 लोगों को बताया तो 512 है। 512 लोगों ने अगर 2 लोगों को बताया 1024 हैं। 1024 लोगों ने अगर 2 लोगों को बताया तो 2048 हैं। 2048 लोगों ने 2 को बताया तो 496 हैं। अब देखें, आपके साथ में एक साल में 4000 लोगों की टीम बन सकती है। आप कल्पना करें, 4000 नहीं हुआ, अगर 2000 लोगों की टीम बनती है, 2000 लोग यदि अपने घर के लिए पूरे मंथ में 5000 का सामान लेते हैं, कितना बड़ा टर्नओवर होगा, कितना आपको पैसा बनेगा। तो यहाँ पर आपकी लाइफ बन सकती है, आपके साथ दूसरों लाइफ भी बनेगा सर। सिस्टम को देखें, समझें और जानें। एक और उदाहरण देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि देखें, देखिए 3 लोग हैं। अगर आप MLM में हैं, आदतें इंसान का निर्माण करती हैं। आपको पता होगा, हम जिस संगत में जिस माहौल में रहेंगे, जैसा हम देखेंगे जैसा सुनेंगे वैसा हम बन जाते हैं, जैसा आप बन जाते हैं। अभी 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति काम करते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति जो भी छोटा मोटा काम करता है, अपना जो भी कपड़ा पहनता होगा, सब्जी लगाता है, ठेला लगाता है, या कोई अच्छी से जॉब करता है, लेकिन उसकी आदतें क्या है, वो नशे वाले संगत में आ जाता है। दिन भर गुटखा खाने का आता है, शाम को एक बोतल भी लगा लेता है। अब सोचो, जो ऐसा व्यक्ति कर रहा है, उसके पास सेविंग नाम की चीज़ कुछ नहीं होगी 20-25 साल बाद। और अगर ऐसी आदतें उसके अंदर है तो सिस्टम ख़राब हो चुका होगा, घरवाली बोलेगी हे प्रभु जल्दी निपटे। तो 20-25 साल बाद घर बिक चुका होगा, शरीर में तमाम बीमारियाँ आ चुकी होगी, बच्चे बेचारे भी बर्बाद हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी आदतों से ही गरीब अमीर बनता है दोस्तों। दूसरा वाला व्यक्ति है, सुबह जल्दी उठता है और अपना काम धंधा जो भी है उस पर जाता है। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा योगा एक्सरसाइज करता है, एक गिलास जूस दूध पीता है, अपने काम धंधे पर जाता है। 20-25 साल बाद इसको भारत सरकार से मेडल ना मिले, लेकिन परिवार में अपने स्वस्थ रहेगा। तीसरा वाला व्यक्ति क्या है, आप जैसा व्यक्ति है, वो इस सिस्टम को सीखा समझा और डेली 1 से 2 घंटा जब इसके पास टाइम बचता है, आरसीमएनएस में टाइम देता है, इसकी ऑडियो वीडियो सुनता है, इसकी किताबें पढ़ता है, आरसीमएनएस के जो सफल लोग हैं उनसे संपर्क बनाता है। अब सोचिए, जो ये सिस्टम में है, अगर ये सिस्टम चलता रहा तो 20-25 साल बाद कहाँ होगा, अपने एरिया टॉप 10 व्यक्ति होगा, सबसे कामयाब इंसान होगा, आपके एरिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर होगा, और आने वाली जो पुश्तें हैं 3-4 पुश्तें बीतेंगी सर, तो कितना बड़ा लाइफ स्टाइल, कितना बड़ा आदमी बन सकता है, कल्पना करने वाली बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बहुत अच्छा अवसर है, इसको अपनाएं, सीखें, समझें, अपना भी भविष्य बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। और दूसरी बात यह सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेडी हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई, अपनी लाइफ में उनको अवसर नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, या बहुत सारे बच्चे हैं बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ करके बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50-60 साल हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर 3 से 5 साल लगा देते हैं तो जो 60 साल में नहीं कर पाए थे वह यहाँ पर 5 साल में अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
अगर हमारी बातें वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे अगर आपको किस तरह वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट करें। जय आरसीएम, जय हिंद।